हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको अपनी गुलदावरी दिखाती हूँ। कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है ना इस पर, बहुत अच्छे से। और एक ये देखिए आप, ये मेरा गुलाब का देखिए कितना बड़ा रो, देखो मेरे हथेली से भी बड़ा है ये पूरा, देखो इतना बड़ा रोज है ये देखो। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, फर्टिलाइज़र मैं एकदम ऑर्गेनिक डालती हूँ, कुछ भी मैं इसमें, देखो ये इसमें लगा हुआ है। और ये मेरा ऐसा नहीं है नया प्लांट है, ये लगा हुआ है मेरा, देखो 8 इंच के गमले में लगा हुआ है। इसकी देखो ये कितनी बड़ी स्टिक हो रही है, ये यहाँ से यहाँ जाके इसमें फूल आ रहा है बहुत बड़ा। मेरा 3-4 साल पुराना प्लांट है, जो ये बेचने वाले गलियों में आते हैं ना, उनसे लिया था मैंने ये। और इसमें जड़ भी अच्छे से नहीं थी इस प्लांट में, वो जो चावल की झाड़ी सी में बांध के लेके आते हैं ना, वैसे लगा हुआ पौधा था ये। और देखो लग भी गया और कितना सुंदर कलर आ रहा है इसमें, कितना सुंदर प्लांट है ये, बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये रोज़। चलो मैं अब आपको जो आज मैं दिखाना चाह रही हूँ बताती हूँ। ये मेरे गुड़हल के प्लांट हैं, ये देखो इधर वाला, ये वाला, ये भी गुड़हल का है ये भी। और एक कलर देखो ये है, अभी मुझे जब मैं इसको देख रही थी तो मुझे याद आया, मैंने कहा चलो मैं इसकी वीडियो बना लेती हूँ। देखो इसमें गुड़हल में होता क्या है, देखो ये ऐसे बड़ बन के, और देखो बिल्कुल गिरने को तैयार रखे, खिली ही नहीं है ये, इसकी बड़ देखो पीली पड़ गई है ये बिल्कुल। और इसमें यहाँ से कीड़ा इस पर रिंग सी बना देता है, ये कट के गिर जाती है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है जिससे बड़ ड्रॉप नहीं हो, देखो मैं एक मेडिसिन बताती हूँ इसके लिए आपको। वैसे जैसे लहसुन है, एलोवेरा है, इसको बराबर बराबर पीस के, मतलब लहसुन की एक गांठ और करीब एक बड़ी लीफ एलोवेरा की, दोनों को मिला के और मिक्सी में पीस के और उसका जूस निकाल के अपन पानी में मिला के इसको स्प्रे करेंगे ना, तो उससे भी हट जाते हैं। लेकिन जब ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो देखो इसके लिए मैं भी लेके आई थी, हालांकि मैं कम डालती हूँ दवाइयाँ, बस दवाई के नाम पर मेरे पास सिर्फ ये एक ये है, ये सेक तारा आंशी वाली कंपनी है ना, ये डालती हूँ मैं, 5 ग्राम ये आती है। और इसमें से मैं बहुत थोड़ी सी लेके बस अपनी इतनी उंगली पे बस इतनी सी डालती हूँ मैं 1 लीटर के पानी में, और उसका मैं स्प्रे कर देती हूँ। तो देखो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। पहले इस वाले प्लांट में भी मेरे में ऐसे ही झड़ रही थी ये, देखो। और अब देखो इसकी ब्लूमिंग, देखो देखो कितनी सारी कलियाँ बन रही है, आप लोग देखिए कितनी कलियाँ हैं इस पर, एक ही उस पर, देखो इधर भी है, देखो ये खिल रही है, इधर पीछे की तरफ जा रही है, मेरा हाथ नहीं जा रहा है देखो। वरना ये सारी, ये कीड़ा लगा हुआ था तो ये यूं ही गिर रही थी। मैंने इसमें स्प्रे किया ना, मैं इंतज़ार कर रही थी, पता नहीं मैंने कहा अब इसमें फूल क्यों नहीं आ रहे हैं, दिखा नहीं मेरे को कुछ भी। जब मैंने बहुत पास से देखा तो मुझे दिखाई दिया, और फिर मैंने इस पर स्प्रे किया। स्प्रे फ्रेंड्स इसमें जैसे शाम के टाइम करें या अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि एक तो वैसे सर्दियों में अब धूप से तो कोई इतना नुकसान नहीं है, बाकी पोलिनेटर आते हैं ना जो दिन में ही आते हैं इनके ऊपर, तो इसलिए सुबह के टाइम पर जल्दी कर दें जिससे उनको नुकसान नहीं हो, और या फिर रात में करें। देखो ये भी पुरानी है, बिल्कुल एकदम सूख गई है। तो आप ये काम इस पर ज़रूर करते रहें। गुड़हल प्लांट आपके पास है, अगर ये बढ़ जाती है ना, फिर ये डिजीज़ का काबू नहीं होती है। अब जैसे इस वाले प्लांट में मेरे में इसमें 1-2 फ्लावर ही खिले हैं, और खिल ही नहीं पा रहे थे इसमें, अभी बस थोड़ा सा इसमें कंट्रोल होने लगा है। और देखो ये नई वार्ड आ रही है, ये शायद खिल जाएंगे अब, देखो और ये रही है मेरे, बाकी इसमें 1-2 फूल ही खिल पाए, खिल नहीं पा रहे थे। अब मैंने इसमें स्प्रे कर दिया, मैं आगे अपडेट आपको दिखाऊंगी इसकी। आप भी लगाते रहिए फ्रेंड्स,
प्लांट बहुत सुंदर लगते हैं जब फूल निकलते हैं इन्हों में, बस मन खुश हो जाता है और कुछ सोचने को दिमाग में जगह ही नहीं रहती है। बस ये लगती है कि चलो भाग के छत पे चलते हैं, सुंदर सुंदर फूलों को देखेंगे। ये देखो देव, ये सारी कटिंग से तैयार गुलदाउदी है, कितने प्यारे प्यारे कलर इसमें आ रहे हैं। चलिए तो मैं बाकी आपको और प्लांट्स आगे की वीडियोस में दिखाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। प्लांट लगाते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।